जीवन में ये दुख देने की आदत ना होगी, कड़वे कड़वे घूंट पी पी करके जीने और मुस्कुराने की आदत नहीं होगी, तो जिंदगी में जब कठिन समय आएगा वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल समय आएगा, आदमी दुखों से घबरा जाएगा और कहेगा हे भगवान इस बदतर जिंदगी से तो मर जाता, वो अच्छा था। यही सोच के कुछ लोग मर गए, आत्महत्या कर चुके, फांसी पे लटक गए, जहर खा लिया, आग लगा ली, पहाड़ से कूद के गिर के मर गए, नदी में डूब के मर गए। पर क्या हुआ, क्या हुआ मालूम है आपको? अगर आत्महत्या करके मरने वालों में से हम कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछे कहो कैसी रही, वो कहेंगे कि हमसे बड़ी भूल हुई मेरे भाई, तुम्हें ऐसी भूल मत करना। दुखों से घबरा करके, परेशानियों से घबरा करके, कष्टों से घबरा करके कुछ लोग आत्महत्या करके मर चुके हैं। अगर हम में से कुछ लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को जिंदा करके उनसे पूछ सके कहो कैसी रही, वो कहेंगे बड़ी भूल हुई हमसे, तुम ऐसी गलती मत करना, तुम ऐसी भूल मत करना, हमसे तो हो गई पर तुम ऐसा सोचना भी मत। तुम्हें कह रहा सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है, मीठा के साथ नमकीन हो तो मिठास में और प्रगाढ़ता आती है। जिस आदमी ने दुख देखा ही ना हो वो आदमी सुख का अनुभव भी नहीं कर सकता, वो क्या जाने सुख क्या होता है। तो भगवान से कह देना दे दे मेरे मालिक, जो भी देना चाहता है दे दे, मुझे स्वीकार है। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, फूल तो कांटों में ही खिलेंगे ना। ये फूल जो आपको दिख रहे हैं, ये फूल ये संदेश देते हैं कि इन फूलों के आसपास ही कहीं कांटे भी हैं। फूलों पर नजर रखना, फूलों की चाहत रखना, फूलों को हाथ में लेना, फूलों का मधुर स्पर्श करना, मगर इस बात को मत भूल जाना कि फूलों के आसपास कांटे जरूर होते हैं, हर हाल में होते हैं, नियम से होते हैं। और इस बात को ही हम भूल जाते हैं ना, और जब कांटा चुभता है माई बाप याद आ जाते, हे भगवान अच्छा फूल को देख करके तो ऊपर वाले को भूल ही गया, और जब कांटा चुभा तब कहा कि हे भगवान, भगवान भी तुमसे तो ज्यादा ही समझ रखते हैं ना, उनको मालूम है कि ये मेरा बच्चा बड़ा लापरवाह है, बड़ा नालायक है, जरा सा कुछ मिलेगा उसमें ही उछल जाएगा, उसमें ही रम जाएगा, उसमें ही खो जाएगा, उसमें ही डूब जाएगा, इसलिए तात्कालिक तुरंत व्यवस्था उसके पास ही रखते हैं। उस व्यवस्था को भी स्वीकार करना पड़ेगा। एक बार फिर याद रख लो आज का सूत्र, आज की नसीहत, आज का वक्तव्य, आज का प्रवचन, आज का संबोधन, आज का सुझाव, आज की सलाह, फिर कह दो, फिर से सुन लो, जरा गौर से सुनिए। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन का, एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। कुदरत का नियम ही ऐसा है कि जिसको जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलेगा ही, मिलेगा भी क्यों नहीं, टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठा के साथ मीठा के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है, जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ना करे, कोई प्रभु की फरियाद ना करे। कल पुनः मुलाकात होगी, कल पुनः एक बार आपसे बात होगी। जय महादेव।